नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। वर्दी के रौब में महिलाओं युवाओं को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। थाना सराय मरे क्षेत्र के कसौदा गांव में पुलिस वालों ने महिला व गर्भवती महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ना तो कोई महिला सिपाही साथ में थी, ना ही कोई महिला होमगार्ड। पुलिस वालों ने दिखाया वर्दी का रौब। बेबस महिलाओं पर कसूर इतना था, नवीन परती जमीन पर गांव के ही दबंग लोगों के पक्ष में जमीन पर कब्जा कराने पुलिस वाले ग्रामीणों ने मना किया तो उन पर लाठी चार्ज किया गया। ग्रामीणों का कहना है लेखपाल व पुलिस की मिलीभगत से पैसे के दम पर गांव के ही दबंग व्यक्ति नवीन परती पर जमीन कब्जा करना चाह रहा है। इसी का विरोध ग्रामीणों ने किया तो पुलिस वालों ने 6 युवकों को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। हल्का लेखपाल व एसओ को निलंबित को लेकर डीएम का घेराव किया। ग्रामीणों ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। थाना अध्यक्ष को निलंबित कर रहे हैं। यहाँ घेराव करेंगे जो है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरीके बदतमीजी। घटी से पुलिस वालों मार रहे हैं। सराय अमरेश थाना है, इलाहाबाद में रहता है, ठीक है। आप लोग बोलिए ना, कौन कौन महिलाओं को मारे हैं? भैया पांच तो उसको जगह पे प्रजापति समाज के लोगों ने अपना नंबर दर्ज करा लिया है। और जब इन लोगों को जानकारी हुई तो सीओ चकबंदी के यहाँ इनका मुकदमा चल रहा है और स्टे भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लेखपाल और पुलिस प्रशासन को लेकर और यह कहते हुए कि एसडीएम साहब ने हमको भेजा है, यह कहते हुए वहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर जो है मिट्टी पटवाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने महिलाओं ने बच्चों ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने जो है इनके ऊपर हमलावर हो गए। तो एक महिला को जो है पेट में चोट आई, उसको लाश से वहाँ का दरोगा जो है मार दिया, तो उसको ब्लीडिंग वगैरह होने लगी, जिसका इलाज इन्होंने हडियम कौन सा हॉस्पिटल है देवराज हॉस्पिटल में इलाज इन्होंने करवाया। और इन लोगों को अभी तक ट्रीटमेंट पट्टी कुछ भी नहीं हुआ है जो है, ठीक है। और इन्होंने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जाँच करवाया, अपना रिपोर्ट कर किया जो है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हम लोग अभी आए हैं डीएम के यहाँ ज्ञापन देने के लिए, और हम सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो 6 लोगों को इनके तरफ से इन लोगों के घर के लोगों को 6 लोगों को जेल भेजा गया है, उनको बेइज्जत बरी किया जाए, निर्दोष लोगों को जो है उच्च स्तरीय जाँच करके सही से कार्रवाई हो, ठीक।